नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ हिंदी की क्वेश्चन बैंक को हम हल कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को हम हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9589661967। यदि आपको कोई क्रिटिकल डाउट है और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जैसे आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, साथ में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन बैंक हिंदी में भाषा बोध से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला है, वाक्य कहते हैं किसे कहते हैं, तो भाव व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शत्रुता का विपरीत अर्थ है मित्रता, सही वर्तनी है। ठीक है, सही वर्तनी क्या है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, कि सही वर्तनी क्या है, होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, अगला है, सही शब्द है आशीर्वाद। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं तो उन ऑप्शन में से सही क्या है वो हम देख रहे हैं। अगला है पांचवा, मुंबई आप गए थे क्या का शुद्ध रूप क्या होगा, क्या आप मुंबई गए थे। अगला है छठा, मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सीधी, शहडोल आदि जिलों की प्रमुख बोली है, तो वो है बघेली। हमें पानी दो का शुद्ध रूप है मुझे पानी दो। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है वसन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से कौन सा मुहावरा है, घी के दिए जलाना, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसे लोकप्रिय व्यक्ति का सभी करते हैं सम्मान, यद्यपि वे हैं किंतु क्रोधी सज्जन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई है। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा कहलाती है। यदि वह आता तो मैं चला जाता, वाक्य संकेतवाचक है ना, संकेतवाचक। साहित्य समाज का दर्पण है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना। आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है ध्यान ना देना। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कई बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपनी आँख फेर लेते हैं, जनरली, हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। सत्य असत्य बताना, जैसे शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है, कोई भी समूह वाक्य कहलाता है असत्य है। एक भाषा क्षेत्र के अंतर्गत कई उपबोलियाँ होती हैं, सत्य हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपने मुंह को मिट्ठू जैसा बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ है अपने मुंह को मिट्ठू जैसा बनाना, असत्य है, मतलब खुद की प्रशंसा करना होता है इसका। अगला है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है, असत्य है। घर खीर तो बाहर खीर का अर्थ मिठाई खाना है, असत्य है। चिराग तले अंधेरा का अर्थ चिराग के नीचे अंधेरा, ये भी असत्य है। भाषा का सीमित रूप विभाषा होता है, सत्य है। भाषा का संबंध मनुष्य की ध्वनियों से होता है, सत्य है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, गलत है, असत्य है ये। गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है, असत्य है, क्योंकि वसुंधरा मीन्स तो पृथ्वी होता है और गगन मीन्स आसमान होता है, बादल आसमान होता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें सही जोड़ियां बनाना है। ब्रज क्या है, बोली है। बोली का विकासमान स्वरूप है विभाषा।
तुम घर मत जाओ आज्ञावाचक है। दर्शन शास्त्र को जानने वाला दार्शनिक, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द वाक्य, माता पिता द्वंद समास है और लक्षार्थ मुहावरा है। एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, आपका भौदी, आपका या भौदी। गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा, गांधी जी का सदा आभारी रहेगा, देश गांधी जी का सदा आभारी रहेगा। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, तो कई मतलब ऑफिस से कई अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या प्रसिद्ध जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। ठीक है, उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं, उसके पास मात्र 200 रुपए हैं। गांधी जी पक्के भक्त थे ईश्वर के, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मैंने मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई, मैंने मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। उसके सामने एक गहरी समस्या है, उसके सामने गंभीर समस्या है। ठीक है दोस्तों, यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, यदि परिश्रम करोगे तब अच्छे अंक प्राप्त करोगे। पिता का पुत्र में विश्वास है, पिता को पुत्र पर विश्वास है। लक्ष्मीबाई एक तेजस्वी नारी थी, लक्ष्मीबाई एक तेजस्विनी नारी थी। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसका हीरा सॉरी उसका होश उड़ गया है ना, तो उसके होश उड़ गए। आगे है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। जैसे गीता के रचयिता को नहीं जानता, मिश्र वाक्य बनाना है, नहीं जानता कि गीता के रचयिता कौन है। मैंने स्टेशन से टिकट खरीदा और घर लौटा, साधारण वाक्य। मैं स्टेशन से टिकट लेकर घर आया, गणित का प्रश्न कठिन आया, नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं आया। स्नान करो विद्यालय जाओ, स्नान करके विद्यालय जाओ। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, आज्ञावाचक करना है तो बच्चे सुंदर चित्र बनाओ। कितना अद्भुत दृश्य है, वाह कितना अद्भुत दृश्य है, विस्मयावाचक। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, संयुक्त वाक्य बनाना है। सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक, शायद मयूर वन में नाचता है। धातुओं में सोने से अधिक कीमती कोई धातु नहीं है, विविधा वाचक है ना, विधिवाचक मुहावरा, मतलब धातुओं में सोना अधिक कीमती धातु है। अब मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की जीत होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सी सहायता बहुत बड़ी होती है। इसका आप आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब योग्यता से अधिक दिखावा करना। घाट घाट का पानी पीना, अधिक जानकार होना, अनुभवी होना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। आंखों पर पट्टी बांधना, मतलब अंधे का करना। होम करते हाथ जलना, मतलब शुभ कार्य करते ही हानि होना। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। कलेजा जलना, असंतोष होना। उल्टी गंगा बहना, विपरीत काम करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, बनावटी प्रेम करना, दिखावा करना। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। दांत खट्टे होना, पराजित कर देना।
नौ दो ग्यारह होना, भाग जाना। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करें। और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट, स्पेशली आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक में डालने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो जैसे उसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उन सभी की लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को सेपरेट भी देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे या फिर कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।